हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था संकेत रतुल के यहाँ पर जो है इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में कुछ बताने के लिए। तो दोस्तों, आज जितना भी आप लोगों का डाउट है आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग से, और धीरे धीरे हम सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इंडिया बुल हाउसिंग में फंसे हुए हैं, मान लीजिए कि कुछ लोग जो है 600 के आसपास खरीद लिए हैं, तो मैं दोस्तों उनको बोलूँगा अभी होल्ड कीजिए, अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ये इसका प्राइस 560 रुपीज़ पे था, और दोस्तों इसका जब प्राइस डिक्रीज होने वाला था तब भी बता दिया मैंने दोस्तों कि प्राइस डिक्रीज होने वाला था, और 500 पे दोस्तों हमने इसको जो है बाय भी करवाया है, हमने दोस्तों अपना सर्विस दिया है। उसके बाद से यहाँ देखिए 60 रुपीज़ प्रॉफिट में था। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, वो सोच रहे हैं दोस्तों अगर इसमें एंट्री लेने के लिए, तो मैं बोलूंगा दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, और थोड़ा वेट करके अच्छा चांस है, और थोड़ा थोड़ा स्टॉक खरीदिए तो आपको हो सकता है अच्छा बेनिफिट मिलेगा और लॉस होने का कम चांसेस रहेगा। और दूसरा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूछना चाहते हैं, यहाँ पर दिनेश कुमार जी यहाँ पूछना चाहते हैं गेल इंडिया के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं गेल इंडिया, इसका प्राइस दोस्तों अभी 130 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, जब इसका प्राइस 125 चल रहा था तभी मैंने जो है सर्विस भी दे दिया था, और आप लोगों को वीडियो भी बना के बता दिया था एज ए डेमो के लिए दोस्तों। लेकिन अब भी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गेल इंडिया में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों गेल इंडिया का जो प्राइस है यहाँ देखिए 35 या 40 तक जा सकता है, वो भी दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म 2 या 3 मंथ में। तो मैं बोलूँगा दोस्तों यहाँ पर आपको अगर चांस मिलेगा तो निकल जाइएगा, ज़्यादा फ्यूचर मत देखिएगा इसका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, अपना जो है प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए गेल इंडिया का देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वीक लग रहा है, और देखिए यहाँ से अभी दोस्तों ये जो है थोड़ा गिरना स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं इसमें। और देखिए वन ईयर में बहुत ज़्यादा जो है ये दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी दोस्तों में डिविडेंड आपको बहुत अच्छा दे रहा है, तो दोस्तों डिविडेंड के लिहाज से मैं बोलूँगा इसमें आप जो लोग भी फंसे हुए हैं वो वेट कीजिए, निकल जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर पैसा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, थर्ड जो कमेंट आया था यहां पर धर्मेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं दोस्तों अशोका लेवलैंड के बारे में। तो यहाँ पर अशोका लेवलैंड के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों सब लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सबको मैं जो है कैप्चर करने के लिए सोच रहा हूँ। जितने लोग भी जो है कमेंट किए हैं सबका जो है मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है मैं वही डायरेक्ट पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पहले ही वहाँ पर जो है रिसर्च करके मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम डिस्कस करते हैं अशोका लेवलैंड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अशोका लेवलैंड का दोस्तों स्ट्रक्चर बहुत वीक है, और प्लांट में भी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है धीरे धीरे जो है इसमें आपको तो पता ही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत व्हीकल्स में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, अशोका लेवलैंड जो है गवर्नमेंट के लिए जो है ये बनाती है, ट्रक बनाती है दोस्तों, आर्मी के लिए ट्रक बनाती है, और बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ ये कंपनी जो है डूबने नहीं वाली, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका शेयर प्राइस थोड़ा और गिर सकता है, जो सच है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों। इसको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत अगर गिरावट होगी तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो सोच रहे हैं न्यू खरीदने के लिए, तो मैं उनको बोलूंगा दोस्तों अभी ये अच्छा टाइम नहीं है दोस्तों, अभी यहां पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अशोका लेवलैंड का अगर ग्राफ देखते हैं दोस्तों, थोड़ा वीक दिख रहा है यहां पर, और ये देखिए 135 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के आसपास यहां पर आ चुका है दोस्तों, लोएस्ट बनाया है। इसीलिए दोस्तों हो सकता है कि ये 60 से भी नीचे चला जाए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर थोड़ा वेट कीजिएगा। और जो लोग पहले ही फंसे हुए हैं 80-90 के प्राइस में, मतलब कि दोस्तों यहां पर लोगों का 50% पैसा भी डूब चुका है, बहुत लोग जो है 100 के प्राइस पे खरीद के रखे हैं अशोका लेवलैंड का, अभी देखिए 60 के आसपास चल रहा है, तो दोस्तों उनका जो है 40-50% उनका पैसा डूब गया है। तो देखिए मैं बोलूंगा दोस्तों आप थोड़ा विजन जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए कर दीजिए, जैसे कि 2-3 साल के लिए। तो देखिए दोस्तों 2-3 साल के बाद पूरा जो है पूरा व्हीकल इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा, पूरा व्हीकल इंडस्ट्री में दोस्तों तबाही मचा हुआ है अभी, लेकिन वो शांत हो जाएगा, हो सकता है दोस्तों उसके बाद आपको प्रॉफिट के साथ निकलने का मौका मिल जाए। इसीलिए हड़बड़ाइए मत दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, ज्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। और फिर देखते हैं दोस्तों दूसरा कमेंट किसका है। और फिर देखिए यहां पर जो है
संजीव जी का कमेंट है, देखिए संजीव जी का यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के बारे में कमेंट है, ये जो थोड़ा प्राइस 7.80 के आसपास, यहाँ पर देख लीजिए आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर बाय किए हैं तो हो सकता है कि आपका लॉस ही होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इसका दवे इसका जो ग्राफ मूवमेंट कर रहा है दोस्तों, फाइनली आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों आपको इस कंपनी में नहीं रहना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर भी क्या, आपको दोस्तों मौका देके यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सलाह है कि ये जो है आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड से आपको निकल जाना है। मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस है इस कंपनी में, तो भी मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर होल्ड करने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं तो चांसेस है कि आपका लॉस ज़्यादा हो जाए, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और आपका जो है लॉस मिनिमाइज भी नहीं हो पाएगा, रिकवर भी नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि देखिए इसका ग्राफ डायरेक्ट दोस्तों डाउन साइड जा रहा है, डायरेक्ट डाउन साइड जा रहा है, थोड़ा भी अप डाउन नहीं है। देखिए ये थोड़ी बहुत जो है फ्लक्चुएशन हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसका ग्राफ देखेगा, मैं यहां पर आपको पूरा ग्राफ ओपन करके दिखा दूंगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो इस कंपनी से बिल्कुल निकल जाइए, यहां पर देखिए 73-25% लॉस हो सकता है कि यहां पर दोस्तों 80-90% लॉस हो जाए, यहां पर 30-40% लॉस हो जाए, इससे पहले कि पहले आप निकल जाइए। और दूसरा कॉमेंट यहां पर जो था IDFC फर्स्ट बैंक, देखिए दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो यहाँ पर देखिए IDFC बैंक के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों IDFC बैंक ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर मैं उनको बोलूँगा थोड़ी बहुत जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस जो है 50 के आसपास आएगा तो आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन जो लोग लॉस लेके बैठे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें खरीदारी नहीं करना चाहिए, इसमें अपना पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। बैंक का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों, और वैसे भी अपना इंडिया का इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और अभी जो है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा तबाही मच रही है। तो अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ से 50 के आसपास अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी कंपनी में नहीं है, जिस कंपनी में डिविडेंड नहीं है तो थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि ना ही बोनस दे रही है कंपनी, ना ही डिविडेंड दे रही है, तो कर क्या रही है कंपनी, यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 month में थोड़ी बहुत रिटर्न दी है, लेकिन ये कप एंड हैंडल चार्ट बन जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत और जो है अप मूवमेंट देखने को मिलेगा बुलिश साइड, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा निवेश मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसमें अभी थोड़ा बहुत होल्ड कीजिए, लेकिन नए खरीदारी मत कीजिए नीचे में। और यहाँ पर देख लीजिए अमितेश कुमार जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर बता दीजिए, तो हाँ दोस्तों मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा शेयर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। तो देखिए दोस्तों पहला जो, अगर जिनके पास कम पैसे हैं, सपोज़ मान लीजिए कि बहुत लोग छोटे निवेशक रहते हैं उनके लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट में दो टाइप के निवेशक होते हैं, एक तो छोटे निवेशक होते हैं, एक तो बहुत अच्छे खासे जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग रहते हैं। तो पहले जो छोटे निवेशक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए RVNL रेल विकास निगम है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस कंपनी का नाम, इसका जो प्राइस है दोस्तों 24 rupees है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और ये भी सोचना चाहते हैं कि उसका जो है लॉस ज़्यादा ना हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी कंपनी लाया हूँ, जिसमें आप जो है अच्छी तरीके से पैसा लगा सकते हैं दोस्तों, और आपको कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपको डेली मार्केट चेक करना पड़ता है कि इसका स्टॉक इतना गिर गया वो गिर गया, ऐसे कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों कंपनी देखिए अभी न्यू कंपनी है, ये कंपनी दोस्तों मार्केट में आया हुआ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और इसका देखिए दोस्तों जैसे ही मार्केट में आया दोस्तों ये कंपनी जो है डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया। और ये यहाँ पर देखिए IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों बहुत पहले से है, और ये जो डिविडेंड भी नहीं दे रहा, तो आपको यही देखना है दोस्तों कौन सा कंपनी स्ट्रांग है, ये कंपनी दोस्तों स्ट्रांग है रेदर देन IDFC बैंक, तो समझ में आ रहा है ना। और देखिए IDFC बैंक का प्राइस भी ज़्यादा है रिलेटेड टू दिस, देखिए यहाँ पर, और इसका जो प्राइस है दोस्तों 24 के आसपास जा रहा है, यहाँ देखिए 30 rupees का हाईएस्ट बनाया था, 30 rupees का हाईएस्ट बनाया था दोस्तों अभी 24 में, इसका मतलब दोस्तों इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड में जा रहा है। यहाँ पर देखिए 18 rupees है दोस्तों, इस स्टॉक को दोस्तों हमने भी खरीदा है, कितने प्राइस पर खरीदा वो भी बता देता हूँ दोस्तों, 23 rupees के प्राइस पर खरीदा है, और बहुत पहले से भी दोस्तों हम लोगों ने इसको खरीदा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं, जो लोग छोटे निवेशक हैं बिल्कुल दोस्तों बेहिचक खरीद सकते हैं, और अगर 3-4 साल के लिए अगर आप पैसे डालते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा दुगना या तिगना हो जाए,
ये स्टॉक। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों, जो बड़े निवेशक हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों एक ऐसा कंपनी है जो आप सोच नहीं सकते, मतलब कि दोस्तों गेम चेंजर प्लान ये लाती है। कभी भी मार्केट में जब ये अपना पावर रखती है दोस्तों, तो पूरा मार्केट को ये कैप्चर कर लेती है। ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का आप समझ नहीं पाइएगा, इनका बिजनेस करने का जो तरीका है ना, ये नहीं सोचते हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है, ये सोचते हैं रिलायंस इंडस्ट्री ये सोचता है कि हमें कैसे मार्केट को एक्वायर कर लेना, पूरा मार्केट को हमें खींच लेना है, ये काम करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा जो जियो है, जियो दोस्तों जैसे ही मार्केट में आया हमारा लाइफ चेंज हो गया। हमारा दोस्तों खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आना जाना सब कुछ दोस्तों पूरा लाइफ चेंज हो गया। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि पता नहीं चल पाया हो, क्योंकि दोस्तों जिनको बहुत ज़्यादा लाइफ में हर एक चीज़ मिल जाता है ना, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे लाइफ में क्या कमी है। तो आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, जैसे ही जियो आया, एयरटेल आइडिया वोडाफोन ये बहुत सारे एयरसेल BSNL बहुत सारी कंपनी जो है डूब चुकी है दोस्तों, और किंग बन चुका है रिलायंस कंपनी। और ऊपर से दोस्तों क्यों डूबा है, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले हमें 1 GB नेट यूज़ करने के लिए, वो भी 3G इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें 150 रुपीज़ चार्ज किया जाता था, वो भी 1 month के लिए। और आज दोस्तों हम लोग 2 GB इंटरनेट डेली पर डे ख़त्म करते हैं दोस्तों, पर डे। और ऊपर से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड कॉल भी बात करने के लिए मिलता है। तो आप सोचिए दोस्तों हमें कितने सारे एप्लीकेशन दोस्तों, हम लोग दिन भर यूट्यूब से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको पूरा स्टडी बच्चों छोटे छोटे बच्चे से लेके ABCD से लेके दोस्तों जितना भी मतलब कि बड़े बड़े इंजीनियर कर रहे हैं लोग, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी आज यूट्यूब में हर एक चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अवेलेबल तो हर जगह रहता है लोग तो, लेकिन उनको लाने का देखने का कैपेसिटी कौन देता है, रिलायंस इंडस्ट्री देता है आपको दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री पर डे 1 GB 1.5 मतलब कि दोस्तों 1.5 1.5 आपको देता है। और ये तो दोस्तों पहले की बात है, आज के बाद बताता हूँ दोस्तों फिर से ये जो है गेम चेंजर प्लान लाया है ये दोस्तों जियो का, कोई ऐसा बॉक्स लाया है जिससे दोस्तों बहुत सारे DTH एयरटेल आपको जो घर में सेटअप बॉक्स होगा वो सब कितना चार्ज करते हैं दोस्तों, मंथली या 3 month का आपको 1200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये 1 month आपको फ्री में देगा, 1 month आपको फ्री देगा दोस्तों, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, टेलीफोन के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए। तो सोचिए दोस्तों जितने भी आपके पास केबल हैं, टाटा स्काई से डब्बा जितने से आप टीवी चलाते हैं और आप जो महंगे महंगे केबल यूज़ करते हैं, वो सोचिए वो सारा कंपनी दोस्तों डूब जाएगा। साल में दोस्तों 4 quarter होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं दोस्तों, और 4 quarter का अगर रिजल्ट ख़राब हो गया तो वो कंपनी पक्का डूब ही जाएगी। और रिलायंस ऐसा चीज़ है दोस्तों जो इंडिया को चेंज करना चाहता है, वो खुद को चेंज नहीं करना चाहता, इंडिया को चेंज करना चाहता है। और बाकी सारे कंपनी थे दोस्तों जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन थे, वो अपने पैकेट में पैसा डालना चाहते थे बस, वो कभी नहीं सोचे कि हम इंडिया को आगे लाएंगे। और जियो ही दोस्तों, जियो रिलायंस जियो ही एक ऐसा है कंपनी है जो दोस्तों इंडिया में 5G ला रहा है। और आज के डे में दोस्तों अंबानी जी ने अनाउंस कर दिया है कि जितने आपका जो नेट जैसे चलता है, जितने स्पीड में चलता है, into 100 मतलब कि दोस्तों into 10 नहीं, into 100 आप 100 गुना स्पीड ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे दोस्तों आने वाले दिनों में। और उसका जो है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डर बुक हो गया, ओवर ऑर्डर बुक हो चुका है दोस्तों। तो आपको हो सकता है जल्दी ही वो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन इंडिया बदलेगा ज़रूर। और इंडिया का दोस्तों बदलेंगे अंबानी जी, उनका थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत अच्छा शेयर है। देखिए इसका जितना भी दोस्तों लॉस हुआ था, ये देखिए कितना तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो ये भी दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। तो आपको मैंने 2 कंपनियाँ पर बताया। यहाँ देखिए अमितेश कुमार जी ने पूछा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर ऐसा बताइए, तो यहाँ पर देखिए RVNL रिलायंस ये 2 कंपनी है आपके लिए, यहाँ पर आप रख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, भाग्यवान मित्तल जी यहाँ पूछ रहे हैं कि कोल इंडिया के बारे में कुछ बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं कोल इंडिया के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए लास्ट में अभी जो उसका करंट प्राइस चल रहा है 200 के आसपास चल रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों जो लोग भी कोल इंडिया में लेके फंस गए हैं, मैं उनको बोलूँगा होल्ड कीजिए, यहाँ पर दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड, ये कंपनी दोस्तों डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, ऊपर से गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर देखिए इस कंपनी में नुकसान होता है लेकिन ज़्यादा नुकसान होने का आपको चांसेस नहीं है। और यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका प्राइस ही 200 रुपीज़ है। यहाँ पर देखिए 6.53 मतलब कि दोस्तों 7 के आसपास आपको डिविडेंड मिल रहा है
दोस्तों, ऐसा बहुत कम स्टॉक होता है जिसमें आपको इतना अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो चलिए डिविडेंड के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा था मैंने दिखाया 200 के आसपास है, और देखिए इसका जो हाइएस्ट है 300 के आसपास है, और लोएस्ट है देखिए दोस्तों 193, मतलब कि दोस्तों ये 200 के आसपास है। देखिए 52 वीक लो 193 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि दोस्तों सपोज मान लीजिए कि 200 है यहाँ पर, 200, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी 200 के आसपास है। तो देखिए दोस्तों इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर स्टॉक में अभी दिख रहा है कुछ पावर दिख रहा है, तो अभी आप इनको होल्ड कीजिए, हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट दे दे। और जो लोग इसको मान लीजिए कि 230 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के आसपास खरीदे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा होल्ड कीजिए, बेहिचक होल्ड कीजिए। और जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए एक हफ्ते के अंदर अगर स्टॉक जो है ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा तो आप यहाँ पर नया खरीदारी भी कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करके यहाँ से आप निकल सकते हैं। अच्छा तो चलिए दोस्तों, और बहुत सारे यहाँ पर जो है, अगर आपका कमेंट आता रहेगा, आपका कमेंट आता रहेगा, देखिए दोस्तों मैंने सारे कमेंट में रिप्लाई दिया, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, सारे कमेंट में मैंने रिप्लाई दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना के आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूँ। यहाँ पर देखिए सारे कमेंट में मैंने रिप्लाई दिया है, और देखिए ये हमारा नंबर है दोस्तों, अगर आपको सर्विस चाहिए तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप मत कीजिएगा। अगर आपको सर्विस चाहिए तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है जो लोग कॉल करेंगे उनको वैल्यू नहीं मिलेगा, सबको दोस्तों रिप्लाई मिलता है, हर एक जगह रिप्लाई मिलता है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट दोस्तों आप यूट्यूब में सर्च मार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है कहीं पर तो दोस्तों आप बिल्कुल कॉमेंट कीजिएगा, हम आपको कॉमेंट में भी सपोर्ट करेंगे, आपको वीडियो बना के भी सपोर्ट करेंगे, और ऊपर से दोस्तों अगर आप कॉल करते हैं तो वहां पर भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहां पर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में।